नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर को चैलेंज करने वाली आदिवासी छात्रा निर्मला का आक्रामक अंदाज पूरे देश में चर्चा में है। इंटरव्यू में वह बोली, सिस्टम के लिए अफसर पब्लिक के लिए ही हैं और हमारी ही नहीं सुनते। 5 मिनट ये लोग धूप में खड़े नहीं रह सकते। हम 2 से 3 घंटे तक वहाँ धूप में प्रदर्शन कर उन्हें बुलाते रहे, ये नहीं आए, इसलिए गुस्सा था। निर्मला शासकीय गर्ल्स कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उसका कहना है कि सिस्टम के प्रति शुरू से ही गुस्सा है, अपने अधिकारों के लिए खुद को लड़ना होगा। इधर मामला बढ़ने के बाद निर्मला को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने शुक्रवार को मिलने के लिए बुलाया। कलेक्टर का कहना है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया, उनकी मांगों की जानकारी मुझे है जिसे जल्द ही हल किया जाएगा। उन्होंने पूछा क्या कलेक्टर बनने का लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा आर्मी में जाना चाहती हूँ, मुझे सच बोलना पसंद रहा, यही सोचती रहती हूँ कि अपनी बात को कैसे दूसरों के सामने रखूँ। दिमाग में हर समय यही चलता है, सिस्टम की लचर व्यवस्था के खिलाफ शुरू से ही गुस्सा है। पहले ये गुस्सा कम था, अब बढ़ने लगा है। सच्चाई की आवाज़ दूर तक जा रही है। मैं जिंदा हूँ, जब तक बोलती रहूँगी चुप नहीं बैठूँगी, राजनीति भी करूँगी चाहे मुझे कोई इनाम मिले या ना मिले। मेरे कमरे से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर है, रोज़ पैदल जाती हूँ, मुझे पैदल चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों के लिए आवाज़ उठाई थी। मैं हाथ जोड़कर भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाएं, लड़ना सीखें, अधिकारों के लिए संघर्ष करें। निर्मला अलीराजपुर जिले के खंडाला खुशाल गांव की रहने वाली है। फिलहाल वो झाबुआ के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हैं। पिता किसान हैं। वह कहती हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे साथ भाई बहन हैं, मुझे आर्मी पसंद है, इसीलिए वो आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहती हैं। इसी साल उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है। कलेक्टर का रवैया देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने बताया कि उसे ना तो आवास राशि मिल रही है, ना छात्रवृत्ति और ना ही दूसरी सुविधाएं। कलेक्टर ने आकर हमसे बात तक नहीं की। अलग अलग समस्याओं को लेकर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं एनएसयूआई की अगुवाई में सोमवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा को एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो स्टूडेंट्स का सब्र टूट गया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। छात्राएं भी नारेबाजी करने लगीं। निर्मला कह रही थी कि हम दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, कलेक्टर के पास मिलने तक का समय नहीं है, यदि वे समस्या दूर नहीं कर सकते तो हमें कलेक्टर बना दीजिए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि निर्मला को झाबुआ का 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया है। मामले में सोमेश मिश्रा ने बताया कि फिलहाल उन्हें ऐसी जानकारी नहीं है। कलेक्टर का कहना है कि वो शुक्रवार को निर्मला से मिलेंगे। मामले में झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा का कहना है कि वो छात्राओं की मांगों को जल्द पूरा करेंगे। छात्राओं की शिकायत थी कि बस में कुछ लोग गाली गलौज भी करते हैं, जिस पर कार्यवाही करेंगे। जिले में छात्राओं के लिए फ्री यूपीएससी की कोचिंग जल्द शुरू की जाएगी, जिसमें 100 सीटें हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। धन्यवाद। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।